बुद्ध के नाम पर शैतानयान, ये इसका पांचवा हिस्सा है। बुद्ध के नाम पर शैतानयान पांचवा हिस्सा है। ये जो शैतान है, जो पहले मैंने बताया था, जो शैतान है इसी को यही बहुदेवा है। तो ये जो तुर्किस्तान और अरबिस्तान और सीरिया असीरिया के बीच में जो ये लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, नहीं एक देवा बहुदेवा के लोग लड़ रहे थे, तो उसी झगड़े में या लड़ाई में इनको बहुदेवा लोगों को एक देवा लोगों ने शैतान कहा। शैतान इसलिए कहा कि ये जो है देव धर्म को मानते तो ज़रूर हैं लेकिन ये भगवान को भी लात मार देते हैं और अपने को सुपरमैन कहते हैं कि हम इंसानों से आम इंसानों से ऊपर हैं, यानी ऊंच नीच का प्रचार करते हैं, तो यही शैतान है। तो ये जब बौद्ध धर्म के अंदर घुस गए तो इनको भी जो है बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की शिक्षाएँ जो है अनुकूल सिद्ध नहीं हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। तो अब इसको तोड़ने मरोड़ने के लिए, अपने देव धर्म का प्रचार करने के लिए उनको कोई देव चाहिए था, उनको कोई देव चाहिए था, क्योंकि जो भी ये बदमाशी करते थे वो देव के नाम पर करते थे। तो उन्होंने बुद्ध को ही देव बना दिया, उन्होंने बुद्ध को ही देव बना दिया, यानी देव धर्म का प्रचार करना है तो उन्होंने ही बुद्ध को ही देव बना दिया। बुद्ध अब अलौकिक देव हो गए। बुद्ध क्या हो गए? अब अलौकिक देव हो गए। अलौकिक मतलब इस दुनिया के बुद्ध अब नहीं रह गए। बुद्ध जो है अब आसमान में चले गए। इन्होंने बुद्ध को आसमान में भेज दिया, बुद्ध को आसमान पर भेज दिया, यानी अब धरती पर बुद्ध नहीं रह गए। जो बुद्ध कहते थे कि हम मानव हैं और लोग प्राकृतिक धर्म मानव धर्म को मानते थे, तो अब उनको उन्होंने देव बना दिया, ऊपर आसमान में भेज दिया और उनको अलौकिक कहना शुरू कर दिया। यानी बुद्ध अब आकाश बिहारी देव हो गए। बुद्ध क्या हो गए? आकाश बिहारी देव हो गए, आकाश में चले गए, जन साधारण से बहुत दूर सातवें आसमान पर पहुंच गए। शैतानों ने क्या किया? बुद्ध को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। और धरती पर कौन बच गया? तो धरती पर रह गए तो उनके दलाल महासांघिक, यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो है ये शैतान लोग जाकर के एक नया ग्रुप बना लिए थे, समूह बना लिए थे और उसका नाम रखे थे महासांघिक, यानी अपने को महासांघिक कहते थे, यानी हम महान हैं, हम गोरे चिट्टे लोग हैं। तो उन्होंने ये काम किया कि बुद्ध को जो है देव बना दिया और उसको जो है आकाश बिहारी बना दिया, यानी बुद्ध अब आकाश में चले गए। तो धरती पर रह गए तो उनके दलाल महासांघिक। चूंकि बुद्ध अब देव हो गए और तो उनके दलाल भी देव हो गए। बुद्ध अब देव हो गए तो उनके दलाल जो शैतान थे वो भी अपने को देव कहने लगे। बुद्ध की कृपा चाहिए तो पहले दलालों का पांव छुइए और उन्हें धोकर पी जाइए। बुद्ध की कृपा चाहिए तो पहले दलालों का पांव छुइए और उन्हें धोकर के पी जाइए। ये जो भारत देश के अंदर जो पांव छूना और उसको छू करके फिर धोकर के पीना, ये सब परंपरा शैतानों ने शुरू किया और बौद्ध धर्म के अंदर जा करके शुरू किया। शैतानों ने प्रचार किया कि त्रिपिटक के स्कंध, धातु, आयतन आदि सिद्धांतहीन कोटि अर्थात काले कलूटे मूल निवासियों के लिए है। तो शैतानों ने प्रचार किया कि त्रिपिटक के स्कंध, त्रिपिटक माने जो त्रिपिटक पहली बौद्ध संगीति के बाद हमारे मूल निवासी भिक्षुओं ने संग्रहित किया था, यानी धम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, तो उसको शैतान नहीं मानते थे। कहते थे कि त्रिपिटक के अंदर जो स्कंध है, जो धातु है, आयतन है, वो सिद्धांतहीन है, मतलब उसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये काले कलूटे मूल निवासियों भिक्षुओं के लिए है, जो मूल निवासी भिक्षु हैं काले कलूटे, ये इनके लिए त्रिपिटक लिखा गया है। शैतानों ने अपने लिए एक नया सिद्धांत गढ़ा। शून्यवाद। शैतानों ने अपने लिए एक नया सिद्धांत गढ़ा बुद्ध के नाम पर एक नया सिद्धांत गढ़ा। शून्यवाद मतलब कि सब कुछ शून्य में, सब कुछ हवा में, यानी बुद्ध भी हवा में। शैतानों ने प्रचार करना शुरू किया कि बुद्ध ने तीन तीन धर्म चक्र प्रवर्तन किए थे, धम्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में किया था बुद्ध ने। तो ये शैतानों ने प्रचार किया कि बुद्ध ने एक धम्म चक्र परिवर्तन नहीं किया था, तीन धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। तो सारनाथ का धम्म चक्र प्रवर्तन जो है, जो सारनाथ वाला जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, वो काले कलूटे मूल निवासियों के लिए किया है, यानी जो भारत के मूल निवासी हैं, काले कलूटे हैं, उनके लिए बुद्ध ने सारनाथ का धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। और उसके बाद जो बाकी जो शेष दो जो धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था वो गोरे चिट्टे शिष्यों के लिए किया था, यानी महासांघिक के लिए किया था।
जो पहाड़ों से आए थे, विदेशों से आए थे, जो शैतान थे, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग से धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। अब देख रहे हैं ना कि शैतान की शैतानियत क्या होती है। शैतान सब कुछ अपने लिए अलग से करता है, अलग से करता है। समता, दंड समता, व्यवहार समता को नहीं मानता है। यही 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 शैतान की पहचान है। दूसरे प्रवर्तन के प्रचार से, यानी बुद्ध ने दूसरा जो प्रवर्तन किया उसके प्रचार से शैतानों ने बौद्ध धर्म को रहस्यात्मक बना दिया। ये जो बौद्ध धर्म है, जो जनसाधारण के लिए सुलभ था, उसको शैतानों ने रहस्यात्मक बना दिया। शिष्यों के कानों में गुप्त मंत्र फूकना शुरू किया। शिष्यों के कानों में, जो उनका शिष्य बन जाता था भिक्षुओं का, जो महासांघिक भिक्षु थे, तो उनके कान में गुप्त मंत्र फूकना शुरू किया। और आज तक गुप्त मंत्र चला रहा है। आज भी गांव देश में आप जाइए तो गुरु लोग जो है गुप्त मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को। ये आप गाँव देश में देख सकते हैं। गुप्त मंत्र कुछ और नहीं था। गुप्त मंत्र कुछ और नहीं अपितु संघ भेद करने के लिए षड्यंत्र था। यानी संघ भेद, यानी संघ को कैसे दो हिस्से में तोड़ा जाए, उसके लिए एक षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र उन्होंने शुरू किया शैतानों ने दूसरे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम पर। तीसरे प्रवर्तन के प्रचार से, तीसरा जो धम्म चक्र प्रवर्तन है जो शैतानों ने प्रचार किया, किस तीसरे प्रवर्तन के प्रचार से शैतानों ने तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार आदि का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जो हमारे मूल निवासी भिक्षुओं में तंत्र मंत्र नहीं था, या बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र नहीं था, जादू टोना नहीं था, चमत्कार नहीं था, तो तीसरे प्रवर्तन के नाम पर इन शैतानों ने उसको हमारे भारत के मूल निवासियों में तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार का प्रचार करना शुरू किया। ये शैतानों के हथियार हैं, ये शैतानों की पहचान है। शैतान जो है तंत्र मंत्र का प्रचार करता है और जादू टोना का प्रचार करता है, चमत्कार का प्रचार करता है। जहाँ पर ये सब प्रचार है आप समझ लीजिए वहां पर शैतानियत है। तो हमारे भारत के मूल निवासियों में इन्होंने करना शुरू कर दिया। मूल निवासियों को भारत के मूल निवासियों को चूतिया बनाकर उनसे दान दक्षिणा वसूलना शुरू किया। चूतिया क्या बनाना है? अगड़म बगड़म स्वाहा, इस तरह के मंत्र पढ़ना और उसके बाद उनसे कहना दान दक्षिणा दो। तो हमारे भारत के मूल निवासी सोचते थे चलो दान दक्षिणा देना है, बुद्ध के नाम पर दान दक्षिणा देना है। शैतानों ने प्रचार किया कि इतिहासकार को श्रद्धा रहित तथा आध्यात्मिक जगत की ओर प्रज्ञावान चक्षु होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, शैतानों ने प्रचार किया कि इतिहासकार को श्रद्धा रहित तथा आध्यात्मिक जगत की ओर प्रज्ञावान चक्षु होने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत में इतिहास नहीं लिखा गया उसका कारण यही है, या गलत सलत जो जादू टोना का प्रचार हुआ या काल्पनिक पात्रों का प्रचार हुआ वो इसी के कारण हुआ है। तो दर्शन शास्त्र के नाम पर, दर्शन शास्त्र फिलासफी के नाम पर शैतानों ने क्या किया, बुद्ध के उपदेशों की खाल उतारना शुरू किया। दर्शन शास्त्र के नाम पर शैतानों ने बुद्ध के उपदेशों की खाल उतारना शुरू किया। इस बहाने से उन्होंने मूल निवासियों में आत्मा परमात्मा, भाग्य भगवान, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, प्रायश्चित इत्यादि का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इस बहाने से उन्होंने मूल निवासियों में आत्मा परमात्मा, भाग्य भगवान, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, प्रायश्चित आदि का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ये जो है शैतानों ने हमारे मूल निवासियों में करना शुरू किया। बुद्ध को अजर अमर घोषित कर दिया। शैतानों ने क्या किया, बुद्ध जो मानव थे उनको अजर अमर घोषित कर दिया और बुद्ध को सातवें आसमान पर बैठा दिया। यानी देव बनाकर सातवें आसमान पर बैठा दिया। तो ये देव धर्म में होता है। देव धर्म वाले क्या कहते हैं कि हमारा देव ऊपर है। कहाँ है? सातवें आसमान पर। ये सारे देव धर्म वाले करते हैं, चाहे वो एक देवा वाला हो चाहे बहुदेवा वाला हो। बस देव धर्म के की एक खास बात है। तो बुद्ध को भी देव बना दिया, तो बुद्ध को भी सातवें आसमान पर बैठा दिया और उनको अजर अमर घोषित कर दिया। और बुद्ध अब खुदा बन गए। बुद्ध क्या हो गए? अब खुदा बन गए, भगवान बन गए। उनके पूर्व जन्म पर आधारित हजारों जातक कथाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जातक कथा कुछ नहीं है, पुनर्जन्म की कथा है। बुद्ध के बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म नहीं है,
पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन इन्होंने, इन शैतानों ने बुद्ध के पूर्व जन्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। मूल निवासी भी चटखारे ले लेकर मनगढ़ंत कथाओं का आनंद उठाना शुरू कर दिया, और मूल निवासी भी जो जातक कथाएं हैं उसको सुन सुन करके चटखारे लेकर के आनंद लेना शुरू कर दिया, और उसके नाम पर इन्होंने दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मूल निवासियों की सम्यक दृष्टि नष्ट होना शुरू हो गई, जिसका कि बहुत ही भयंकर परिणाम हुआ, मूल निवासी नकारा बनता चला गया। यानी सम्यक दृष्टि नष्ट हो गई तो मूल निवासी क्या हो गया, नकारा बनता चला गया।